आसरा तेरी शरण। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे दसवें पातशाह तेरे जोर हों गूंगा कहत हों तेरा सदका तेरी शरण। कहिंदे मैं गूंगा पर तेरे जोर तेरे आसरे तेरी जोत दा सदका मैं बोलदा हाँ कहिंदा हाँ मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। कहिंदे शरण विच रहना कर तेनूं कोई दुख ही नहीं व्यापेगा उहदी कृपा ही हो जाएगी तेरे उत्ते परमात्मा दी। परमात्मा दे अपने ही रूप ने जदों जी करे तो रूप धार के मदद कर जांदा। मनुख नूं नहीं दसदा कि मैं कौन हाँ। आपां कहने कोई बंदा मिलिया सी बड़ा भला सी मेरी मदद कर गया पर वो आप ही संसार दा ध्यान भी रखदा मदद भी करदा सेवकां दी। सो जिवें पुराने राजे महाराजे रूप वटा के दुनिया के अंदर घूमते ही रहते होंगे सी उन्होंने दुनिया का दुख जिथे देखना उत्थे दूर कर देना। इस तरह महाराज कहिंदे ने वाहिगुरु भी हमेशा साडे दुखां नूं देखदे रहिंदे ते रूप धारण करके फिर दुख की निवृत्ति भी कर देंदे ने। सो ऐसा होया है बाबा चढ़ाई करके बहुत साल पहला बाबा रतन सिंह हुंदा सी सो कहन लगा अमर छकिया बाणी पढ़े पुराना जीवन सुनाउन लग गया अपना। कहिंदे पहला असी पुठे ही कम्मां च हुंदे डाके डूके मारन च ये बड़े पुरानी गल है 30-40 साल पहला चढ़ाई कर गए। सो कह लगे मैनू फांसी की सज़ा होगी जेल दे। मैं कदे रब नूं मन्निया ही नहीं सी रब है ही नहीं मुकाया हुआ सी। कहिंदे जदों हुण पता है कि कल सवेर नूं फांसी लग जानी है फिर बंदे नूं थोड़ा जिहा करंट वजदा भई हुण मर जाणा। कहिंदे मैं जेल दे दरख्त दे थले बैठा कहा भी मैं सारी जिंदगी तैनूं नहीं मन्निया पर अज मैनूं तेरी लोड़ है अज मैं मन्ना तैनूं तां जे तूं मैनूं आ फांसी तड़ा दे बचा लवें। सो उस वक्त कहिंदे रात नूं 12 बजे दे करीब जेल दे अंदर एक बंदा आया कागज उहदे हाथ च फड़े होए ने उह कहिंदा बड़ी दूरों पता नहीं कित्थों उत्थे केस मेरा बणिया होया इथों का केस उहदे हाथ कागज ने जज दे वी इह बंदे नूं लै के जाणा इहदी सज़ा माफ होगी। उत्थों कढ़ा के बेड़ियां कटा के कागज जमा करा के इन्नी छेती किरिया होई भी बाहर लिजा के छड़ दिता। कहिंदे लै रतन सिंह तू हुण चंगे कम करी भाई। कहिंदे मैं सोचा भी कोई जज दा पीएन आ जां कौण आ कपड़े बिल्कुल सादे जे खद्दर जे दा कुड़ता पजामा खद्दर दा ही परना सिर ते बन्निया। कहिंदे पता ही नहीं लग्या किधर नूं गायब हो गया बाद च मुड़ ना लभ्या मैनू। कहिंदे अज तक मैं उहनूं याद करदा रोंदा भी तूं मेरे कोलों होके मुड़ गया। इस करके परमात्मा कुछ ऐसे कौतक वरता दिंदे कई वारी जिन्हां नूं आपां देखदे ही रह जांदे। परमात्मा नूं दूर अपने मन नाल जाणो तां दूर है जे देखो तां सदा ही हाजिर हजूर है। ता महाराज कहिंदे ने रतन पदार्थ माणका सोयना रूपा खाक। ये जिहड़े हीरे रतन माणक जवाहरात सोना चांदी धरती ये सारा कुछ मिट्टी रूप है। असल विच देखिया जावे तां सब कुछ मिट्टी तो ही बनता है। हजारां लखां सालां तो धरती बनी है ये मिट्टी दे थले आपे चीज़ां बनदियां रहिंदियां ने जिवें सोना हौली हौली थले बन जांदा धरती च। ये परमात्मा ने बनाईयां धातां मात पिता सुत बंधपा कूड़े सभे साक माता पिता पुत्र आदिक जिन्ने भी संबंधी ने ये सारे साक सिर्फ लैण देण करके ही एक दूजे दे हां आपां जदों लैणा देणा मुक गया उस वक्त दुनिया चों चलना हो जांदा फिर कितें अगे जांदे आ फिर उत्थे जा के जन्म लै लैंदे आ उत्थे काम मुकदा फिर अगे चले जांदे आ। ये लखां सालां तों इक्को ही जीव नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाह
जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे। ये शरीर है जड़ा ना साडा बार बार मिलता रहिंदा, एक रथ एक रथवाह, ये रथ रूपी शरीर नू चलाउण वाला रथवाह आत्मा जड़ा है उहदे विच बैठ के शरीर किरिया करदा। महाराज कहिंदे जुगां जुगां दे विच वटाया जांदा, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी समझते ने इस गल नू। हर वारी आपां नू एक नवा शरीर मिलता, नवा घर मिलता। जिन कीता ते सह ना जाणई मनमुख पस ना पाक। जिस परमात्मा ने पैदा किया उन्हूं जानदा ही नहीं। ये बंदा जिहड़ा है ना मनमुख है, पशुआं वर्गा जीवन है, नापाक हुंदा, अपवित्र है। यह अंतर बाहर रव रहिया तिसनों जाने दूर। जिहड़ा वाहिगुरु दे अंदर भी है ते बाहर भी है, परिपूर्ण व्यापक है, ये बंदा अज्ञानी होण करके कहिंदा वाहिगुरु दूर है। वाहिगुरु दे विच बैठा जिवें समुंदर च बह के कोई कहे समुंदर दिखाओ किथे आ, समुंदर दे तां विच बैठा। व्यापक परमात्मा प्रकाश रूप है, परमात्मा दे तां विच बैठे आपां, दिखाउणा की है। बंदा अपनियां अखां नूं आप नहीं देख सकदा पर अखां नाल सारी दुनिया देखदा है। परमात्मा नूं इसे तरह ही नहीं देख सकते आपां, पर किसी अभ्यास द्वारा। परमात्मा कोई छोटी मोटी हस्ती तो है ही नहीं कि माड़ा जिहा बंदा उन्हूं अपनी लोड़ है तो वह सानू दिखण लग जाएगा। जिवें आपां कहिंदे 3600 फिरदे साडे वर्गे, 36 करोड़ फिरदे, बथेरे फिरदे, वह तेरे वर्गे कई होए, कहिंदे कई आए गए, तू अपना काम कर, उहदे ते कोई असर नहीं पैंदा। जे कोई शरदा नाल कहे मैं मिलना जी, मैं थोड़ा दास, मैं थोड़ा सेवक हाँ जी, मेरे गरीब ते भी कृपा कर दिओ महाराज, उत्थे खुश होकर मिल पैंदा। बाकी जिहड़े लोग ने वह सब कहिंदे परमात्मा दूर ही है। कृष्णा लागी रच रहिआ अंतर हम मैं कूर। हुण मन दे अंदर माया दे जोड़न दी, भोगां दी तृष्णा, खाण दी तृष्णा, इह करके झूठी संग जिहड़ी हंगता ममता दे अंदर जीव रचिया मिचिया पिया, अंदर हौमै लगी हुई है कूड़े पदार्थां दी। भगती नाम विहूणिया आव है वंझ है पूर। परमात्मा दी नाम भगती तो बिना जो पुरश ने उन्हां दे पूरा दे पूर आव है वंझ है, आउंदे जांदे जमदे मरदे रहिंदे ने भगती तो बिना जिहड़े बंदे ने। राख देहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया। करनहार परमेश्वर है आपां नूं सारिआं नूं पैदा करन वाला, पालना करन वाला। महाराज अपनी दया करके इन्हां सूखम ते स्थूल जीआं नूं तुसीं इह जिहड़े जंत ने तुहाडे इन्हां नूं जमां दे दुखां तों कृपा करके रख लो जी, इन्हां नूं दुखां तों रख लो, संसारी दुखां तों रख लो जी। इन्हां जीआं दे उत्ते आप जी मेहर करदे हो, बेनती गुरां दे चरणां दे अंदर अकाल पुरख दे चरणां अंदर करदे ही रहिए। बिन प्रभ कोए ना रखनहार महाबिकट जम भया। महाबिकट हुंदा बड़ा भयानक, बड़ा कठिन, यमदूत इहदे मगर लग्गिया, बहुत भयानक है उह। हे वाहिगुरु आप कृपा करो, आप जी तो बिना होर कोई रक्षा करन वाला नहीं है साडी। बड़ा भयानक साढ़े मगरे जमदूत लग्या होया है। नानक नाम ना विसराओ कर अपनी हर मया। नाम दे नाल साड़ी रक्षा होनी, जिथे परमात्मा का कोई नाम लैंदा वह नाम करके जीव की रक्षा होंदी, तां ते नाम ही मंगीए। तुसी अपनी महाराज जी मया करो, दया करो साढ़े ते, सानू भी नाम की दात बख्शिश कर दिओ, सानू कदे नाम भुले ना जी, साढ़े ते रहमता कर दिओ जी।